ये तो अपने गूगल फॉर्म पर लिंक दिया है भैया। हाँ जी, ये ऐड आप अपने ग्रुप में फेंक दो शिका जी। नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीबॉडी। ओके, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू, नमस्कारम नमस्कारम, आप सबका स्वागत है इस संडे की शाम को आज के वेबिनार में। अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में यस लिखें। ओके, और ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से कितनों की मेमोरी डबल हो गई, प्लीज टाइप करें कमेंट सेक्शन में जी, कितनों का स्मरण शक्ति डबल हो गया जी। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है फोटो, नाउ इट इज क्लियर, यस अभी क्लियर है कितनों का स्मरण। ओके हाउ, ओके ओके सॉरी सॉरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू have doubled their mind power, double their memory, type yes in the comment section. I request all of you, okay, how many of you did the homework, aap paise kitne ne homework kar liya hai, type in the comment section, type in the comment section, jinhone homework kar liya hai, done done. Ab homework, what a homework aapko diya kya tha, you have to learn by heart 50 meanings, 50 items, how many you have done it, how many have by hearted 50, ओके ना, आप में से कौन वो लाइव बताना चाहेगा, 50 बोलना चाहेगा, प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू, वहीं से लाइव आपको बताना पड़ेगा, प्लीज प्लीज लाइव बताना पड़ेगा आपको, यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाइव, मींस जिन्होंने याद कर लिया है, दोज हु हैव लर्न जस्ट ओपन योर वीडियो and forward your 50 words, 50 items that you promised to learn, and we will ask question, we will ask the numbers and you have to give answer. Sir, you can unmute yourself, sir, you have the rights. अगर आपको कुछ question पूछना है आप पूछ सकते हैं, आपके पास right है, you can unmute yourself and you can ask sir. Hello, you can unmute yourself sir and you can ask. कोई है जिसने सब कुछ याद कर लिया और 50 ओपन लाइव बताना चाहे? ओके नमस्कार हम सर, सर सर वॉइस आपकी नहीं आ रही, जस्ट अ मिनट, यस अभी वॉइस दोबारा बोलो सर एक बार। नमस्कार हम, ये आगे बोलो सर, यस सर, हैव यू लर्न द 50 आइटम सर? ओके कांग्रेट्स, नमस्कार हम सर, नमस्कार हम, बहुत अच्छा लगता है। नाउ आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट एवर आइटम यू प्रॉमिस टू लर्न जस्ट फॉरवर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड नाउ ऑडियंस विल आस्क नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 24, नंबर 35 एंड यू हैव टू गिव द आंसर, यू हैव टू लुक जस्ट स्ट्रेट इन द इन द कैमरा, ओके सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग, ओके सो स्टूडेंट आर यू रेडी, इफ आर यू रेडी जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन, so please forward your good name sir, Anthony Swami, Anthony ji, forward your 50 word list in the WhatsApp chat group, from there the student will ask sir, okay please sir, and now what you have to do students, aapko karna kya hai, just you have to mention number 15 the survey and you have to cross check ki it is right or wrong, okay
Have you sent, sir? In the WhatsApp group? Please send it again, sir. Because many people have sent. So I can't able to classify which one you have sent, please. Yes, just a minute. First assignment. This God is great. 993 and last 9345397771717 is your number, sir. Hello. Yes, sir. Yes, yes. It is your number. Yes, sir. Okay. लास्ट में 1717 है ना? ओके नाउ स्टूडेंट ये लिस्ट है इनके पास एंड यू कैन सी द लिस्ट एंड नाउ सर प्लीज मेंशन लुक स्ट्रेट इन द कैमरा नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 10 10 नंबर 10 नंबर 10 अरेबियन सी नो सर 10 इज अ अ अ अ मोबाइल According to your photo, according to your. Sorry, sir, that is not one for me. Okay, please forward in the group chat, WhatsApp group chat, sir. We are waiting for you, sir. You are first one to raise hand. Okay. Okay, sir. बहुत हिम्मत चाहिए सर पहले आने के लिए सही बता रहा हूँ मैं आपको. Just a minute, आप लिख दीजिए. Are you got it, sir? Yes, got it, sir. Got it. Great, sir. Great. Now, just a minute. Yes. Now, students. Yes. Yes. Correct, sir. Correct. It is Arabian Sea. Now, yes. I request all the audience. Now 35. Now, audience can all 35. 35. You can see in the chat section, sir. Chat section. Oh, okay. 35. Punjab. Wow. ना ऑडियंस आप भी पूछिए सर आप भी पूछिए 1 to 50 यू कैन आस्क एनी आइटम ऑडियंस में से पूछिए प्लीज 19 सर 19 हाँ पंजाबी 19 ना यस सर 19 इज पंजाबी No, sir, it is West. W-E-S-T. Bengali. Okay. Now, 19. 19 is Bengali. 19 is Gujarati, sir. Okay. No, doesn't matter, sir. Now, please, aap sabse request audience se aap type karein. Somebody is asking is that 12 na? Haan, 12, sir, 12. Land stroke hills. Yes, sir, it is correct. 28, sir. DJ? Yes. 50, sir, 50. 50, that sliver stroke yarn. Wow. 36. 36. Laddu. Sir, aapko laddu mubarak ho. And very, very congratulations. You are the first one to raise hand और मुझे आप यकीन नहीं करोगे if student perform well आप मुझसे ज़्यादा खुशी होगी now I request next one to please come forward आप खुद ही सामने आए next one please I request next one to please come forward कोई एक please आए जिन्होंने याद कर रखा please मैंने बोला था याद करना compulsory है please आप में से कोई आए देखिए आपका आना बहुत जरूरी है and कितने लोगों ने याद कर लिया है कुणाल जी याद कर लिया है अपना आप वीडियो खोली सर वीडियो को ओपन करना कंपलसरी है सर कुणाल गुड इवनिंग सर अरे गुड इवनिंग छोरे कैसे हो भाई ठीक हूँ सर आप कैसे अरे बढ़िया चलिए अपना पहले सबमिट करें क्या आप याद करने वाले थे व्हाट्सएप एक मिनट सर एक मिनट सबमिट कर दें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो बहुत सारे लोगों ने ओके ठीक है ये याद करना स्टूडेंट्स कंपलसरी इट इज कंपलसरी टू लर्न व्हाई बिकॉज एज द प्रोग्राम विल गो द टफनेस ऑफ प्रोग्राम विल इंक्रीज सो द प्रैक्टिस इज कुणाल ओके कुणाल जी ओके नाउ यस यस वी हैव योर लिस्ट ओके नाउ व्हाट इज इट 48 क्रश
48, yes, crush. Okay. And then 25, class, I guess. No, it is not class. No. Strong? Yes, strong, confirm. Correct. Number 6. Cap. Yeah, correct. Number 2. Killed. Number 40. Number 40. 40, 40, 40, 40. 1, 4, 4, 0. 4, 0. Pizza. Okay. सर पार्टी तो बनती है, बहुत अच्छा बताया आपने. यस ये बहुत ही अच्छा बनाया. एंड यू बोथ ऑफ यू, आप बोथ को मैं एक कोर्स फ्री देता हूँ. द कॉस्ट इज मोर देन 1000, दैट इज स्पीड रीडिंग. स्पीड रीडिंग में आप दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिलेगी बिकॉज यू डिड द बेस्ट. याद रखना, मैं रिकॉर्ड पे, आप अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना प्लीज. ठीक है? ओके सर, डेफिनेटली सर. प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, बाकी लोग कमेंट करें, बाकी लोग सुनाएं मुझे प्लीज, ये कंपलसरी है. देखिए मैंने आपको कल क्या कहा था, व्हाट आई एक्सप्लेन, यू हैव टू लर्न, अदरवाइज 100 रुपीज पार्टी. इसी का ही पिज्जा मंगाएंगे हम लोग. प्लीज नेक्स्ट वन, प्लीज, हु इज द नेक्स्ट वन? दिस इज 50 याद करिए. नाउ ओपन योर कैमरा. ओपनिंग ऑफ कैमरा इज कंपल्सरी सर. ओपन योर कैमरा. जिसने याद कर लिया, those who have learned, please open your camera. जितेंद्र कुमार जी नमस्कारम. अब मैं सही बता रहा हूँ, मैं गेस कर रहा था कि सर तो पक्का सुनाएंगे, सही बता रहा हूँ. नहीं, कोशिश सर, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. चलिए आप अपना असाइनमेंट जो दिया है वो आप प्लीज एक बार सबमिट करें नीचे, ताकि रैक पे आ जाए, ऑडियंस भी देख पाए. सर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ मैंने. सर आपका बात ठीक है, पर इतने लोगों ने भेजा है, मैंने किसी का नंबर सेव नहीं किया है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है टच करना. आप टाइम ले लें थोड़ा सा ढूंढने के लिए अपना प्लीज, क्या आपने लिखा था. अच्छा आपने जो हाँ आप देख लीजिए. हाँ लास्ट में जो फोटो आपने अपलोड की होगी ना वहाँ से व्हाट्सएप पे, प्लीज चेक कर लें. तब तक एक और है. यस प्लीज वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार हाईलाइट कर दें उसके बाद. अच्छा सर, जस्ट अ मिनट. ये क्लाउड्स ऊपर लिखा है मैंने, जितेंद्र अपना नाम, ब्लू व्हाइट स्काई. जितेंद्र जी जस्ट अ मिनट. जहाँ पे अपने मैसेज भेजे ना, उसके 3 मैसेज ऊपर. रुकना, मेरे लिए ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. कोई बात नहीं, कोई ओके, कोई बात, 2 मिनट दीजिए बस. चलिए स्टूडेंट से आप मैं चेक कर लूँगा, आप सुनाइए सर पहले. ठीक है, तो आप नंबर 1 पे क्या था सर? यस सर, क्लाउड्स. नंबर 5. नंबर 5 पे है डार्क. वाओ. और नंबर 15. नंबर 15, 1, 5. अच्छा, नंबर 15 पे है 4. ओके. हाँ, नंबर 35 एंड नंबर 35. आपकी आवाज नहीं आ रही. नंबर 35 एंड नंबर 45. नंबर 35 इज सर, दिमाग को थोड़ा सर, आप बोलोगे मैं यकीन नहीं. गार्डन. ओके सर, दिल गार्डन कर दिया आपने, मजा आ गया सर. ये देखिए, ये उत्साह जब मिलता है क्लास से, बहुत अच्छा लगता है. आप कितने लोग और बचे हैं, आप में से कोई और प्लीज बोलना चाहता है? प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आप में से कोई लास्ट वन.
देखिए मैं आप सबसे दोबारा बोल दूं, इट इज कंपलसरी टू लर्न, दोज यू हैवंट लर्न मेक श्योर वन चांस इज ओवर, एक चांस आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में दोज यू हैवंट लर्न आपसे लाइव पूछा जाएगा, अगर आप नहीं बता पाए तो 100 रुपया फाइन लिया जाएगा। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो याद करेंगे नेक्स्ट सेशन में, प्लीज टाइप प्रॉमिस। मुझे पता कई लोगों ने याद नहीं किया, ओपनली मैं नहीं बोलना चाहता, आप लोग कल याद करेंगे प्लीज। ठीक है, मैं एक मिनट ले सकता हूँ क्या? यस यस जरूर सर। एक्चुअल मैंने याद तो किया है, ऑल दैट वाज टफ फॉर मी, पर वो मैं आपने जब कलर टेक्निक सिखाई थी पिक्चर पिक्चर्स बना के स्टोरी बना के वही ट्राई किया मैंने, बट मुझे टाइम ज्यादा लगा काफी। सर कोई बात नहीं, पहली बार आप कर रहे हैं। अच्छा प्रमदेश हैं, प्रमदेश जी आप अपना अनम्यूट कर लें सर। यस अनम्यूट करें, वीडियो ऑफ करें, जो लोग बोलना चाहते हैं दोज हु वांट टू जस्ट स्पीक जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड अनम्यूट योरसेल्फ वीडियो अनम्यूट योरसेल्फ। ओके नमस्कारम नीरज जी, प्लीज आप वीडियो अपना ऑन करें प्लीज। नमस्कारम सर, वीडियो अपना ऑफ करें। आज क्लास ज्यादा नहीं होगी, आज आपका असाइनमेंट चेक किया जाएगा आपने कितना याद किया है, क्लास ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए मैं एक दो अपने लाइफ से एग्जांपल लेता हूँ। देखो आई एम स्कूल ड्रॉप आउट, और मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि इन द स्कूल टीचर डोंट हैव द टाइम एंड दे यूज्ड टू से पढ़ो पढ़ो या न पढ़ो मेरा क्या ज़्यादा है, फिर हो जाएगा तो क्या होगा। मुझे एक भी टीचर ऐसा नहीं मिला जो पकड़ के पढ़ाए, जब तक पढ़ा पढ़ोगे नहीं आई एम नॉट सेइंग टू यू शुड टॉप इन द क्लास, बट एटलीस्ट यू मस्ट डू द होमवर्क। सो दिस इज द कंपल्शन टू ऑल ऑफ यू, जो मेरे साथ हुआ वही मैं करता हूँ कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन स्पेशली इन होमवर्क। सो आज सबसे केवल होमवर्क पूछा जाएगा, आज क्लास बहुत कम होगी, ओनली होमवर्क। ओके नाउ प्लीज बेटा आपकी सी आपका जो बताएं प्लीज फॉरवर्ड योर प्रमदेश प्लीज। यस आई गॉट इट, नंबर 18। हेलो 18 वाज 18 वाओ हां बस यस बस। नंबर 43 GPS, GPS. Okay, okay. And number 36. 37 was Red Bull. 37. Moon, moon, moon. 37? 37? No, 38 is Moon. 37? Is Red Bull. Yeah. Okay. Neeraj ji. Yes. थैंक्स अ लॉट बेटा, बहुत अच्छा बोले आप। नीरज जी नाउ आपका टर्न आया। यस सर। नंबर 10 सर, पीडीएफ यू हैव गॉट इट? यस पीडीएफ, यस सर। नाउ नंबर 10 सर। ओके सर, नंबर 10 इज टर्पेट। ओके नंबर 48 42 चलो 50 विच वन सर? 50 50 50 इज गवर्नमेंट। ओके थैंक्स अलॉट, इफ जितने कोई रह गया है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग क्या करना है कि आज आपको मैंने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, और हो सकता है बहुत लोग अभी कर नहीं पाए, तो कल क्या करेगी टीम आपसे लगभग आधे घंटे पहले आपसे पूछ लेगी कि भाई आपने क्या याद किया क्या याद नहीं किया भाई, बिकॉज कुछ लोगों ने नहीं किया, मैं बहुत लोगों को मैं मौका नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं प्लीज आपको मैं आज और असाइनमेंट दूंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा कितने लोगों ने नहीं किया वो प्राइवेटली मुझे भेज दें कि यस टुमारो वी विल डू, नेक्स्ट डे आई विल डू, प्राइवेटली भेज दें, नहीं तो जिस दिन टीम आपको पूछेगी तो आपको 100 रुपये फाइन पक्का देना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल लिख दें प्राइवेटली मुझे, मैं ओपनली बताऊंगा नहीं प्लीज, मैं ओपनली आपका नाम नहीं लूंगा, बट प्राइवेटली बोल दें ठीक है। यस कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए ईमानदारी से बोलिए ताकि आप नेक्स्ट डे कर लें प्लीज, नेक्स्ट डे कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ओके
खुशाल मित्तल जी, आप सब आपसे अनुरोध है अपना वीडियो ऑन कर लें आप, ठीक है? जो लोग बोलना चाहते हैं अपना वीडियो ऑन कर लें, करके वीडियो ऑन कर लें, जस्ट मिनट, यस ऑन कर लें, यस। खुशाल जी नमस्कार, चलिए। हेलो सर, नमस्कार, चलिए। और यस सर, पहले व्हाट्सएप पे हाईलाइट करना है क्या मेरा जो है? अरे आप तो पहले से हाईलाइट हो यार, क्या हट कर लेना। वेरी गुड। देखिए जो कैमरा साहब ने बोलने आ गया ना, मतलब उसने याद किया है, समझ ले, मैं इतना समझ जाता हूँ, ठीक है? चलिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नाम था आपका दोस्त, नंबर बताइए, फोन नंबर? कुशल मित्तल। नंबर क्या आपका, फोन नंबर? फोन नंबर 9773045365। चलिए, नंबर 45 माउंटेन, माउंटेन। नंबर 60, नंबर 41 क्लास। नंबर 8, नंबर 8 गोस्ट। यार आप तो गोली की तरह आंसर दे रहे हो यार। नंबर 12, नंबर 12 एरोप्लेन। चलिए बहुत अच्छा। आप कौन सी क्लास में बेटा? सर मैं कॉलेज सेकंड ईयर बीबीए कर रहा हूँ और कैट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज मैंने आपको कल बताया था कैसे मीनिंग याद करना है, और तो आज देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग भेजे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो याद किया है, वट एवर यू हैव लर्न, वट इज द साइंस बिहाइंड दैट, वाई यू एबल टू लर्न इट, बिकॉज knowing the what is the science behind there, this whole learning, it is very important. But because science of learning is very most important. Just a minute. Let me open the PPT. और आप लोग अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यकीन नहीं, मेरा अंग्रेजी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। I will try my best कि आप मेरी ये टूटी फूटी अंग्रेजी समझ पाए। Just a minute. अच्छा, एक प्रैक्टिस आपको और करनी है आज से, वो प्रैक्टिस बहुत ही इजी है, और वो प्रैक्टिस है स्पीड हियरिंग, स्पीड हियरिंग। तो कैसे करनी है पहले आपको वो बताता हूं मैं आपको, हाउ यू विल डू इट। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करूं, जस्ट अ मिनट, यस यस, आप स्क्रीन, जस्ट भाई स्क्रीन शेयर हो जा। जस्ट ए मिनट, यस क्लोज। You have to download one app in the phone, that is MX Player. आपको MX Player download करना है, और MX Player download करना है, और आपको क्या करना है, YouTube पे जाना है, just type any video. Suppose memory video. Just memory, meditation video, meditation. Meditation video. और meditation में जाना है आपको video में, just a minute. YouTube पे will start. Meditation, okay. Now what you have to do, especially justly Sandeep Maheshwari ke video le lete hain, what you have to watch the video, but not at normal speed, not at normal speed. You have to watch the video not at normal speed, you have to increase the speed to 1.5. it is correct, it is clear to all of you, you have to increase the speed. Aapko ek speed increase karni, speed to 1.5. How to do it? Go to settings and playback speed 1.5. Up now, what you do? You have to just listen. Then slowly increase the speed to 2x double speed. So what you have to do? Initially, you have to increase the speed to 1.5. Type in the comment section 1.5. Just type in the comment section 1.5. Yes, yes. Just type in the comment section 1.5. Okay. Yes. After watching 1.5 up to 2 hours, what would increase the speed? I can understand and listen any video up to 2.5x speed.
whether it is English, whether it is Hindi. 2.5, I can easily understand. Easily, it is my average speed. If you increase the video speed up to 3.5x, still I can understand a bit more than 75%. So if you're able to understand the whole video in half time, is it great or not? It is indirectly, it is increasing your comprehension, increasing your learning speed, and it is putting more pressure on your brain to memorize, analyze, and comprehend easily, effectively, and fast. Okay. So now we have to do at least 2 hours. 2 hours. Minimum is 1 hour. 2 hours, you have to watch the video at 1.5 speed. How many of you promise, type promise in the comment section? This is a basic exercise. Just type promise in the comment section. Just type promise in the comment section. Okay. Yes, just type promise. And you have to share the result. Is it easy or not? Are you able to understand or not? Minimum 1 hour. I would recommend 2 hours. Right? Because first 15 minutes, you will be a bit surprised. You will be a bit worried. You will skip a lot of information. But once you are adapted to the particular speed, you can easily understand. Within 1 day, setting, you can see the setting in the phone also. Phone also, in the phone also, setting is there. You can search, please, sir. In phone also, there is setting to increase the speed. Okay. This is the first, this second homework that you have to submit. And those who haven't submitted us their homework, those who have privately mentioned that we haven't learned, please, you have to learn it by tomorrow. 50 items, and this exercise you have to do. Now, the next session is coming. Is the most important one. Daily aapko homework dunga, aaj bhi homework milega. Now, most of you have double their memory. Aap mein se kitne ki memory double ho chuki hai? I will repeat just a minute. I will repeat this task. Just a minute. Let me share my screen so that I can. Yes. My PPT is visible. Simple is that you have to watch the video at 1.5x speed. So you have to watch the video, any video. You have to increase the playback speed to 1.5 and watch the video at least 2 hours. 2 hours you have to watch the videos. And then you have to submit your feedback. Are you able to understand or not? What difficulty you faced? Within 3 days, you have to increase the speed to 2x so that you can understand it better. Okay, it is clear to all of you? If it is clear, type C in the comment section. Type C in the comment section. अगर इतना क्लियर है आपको आपको वीडियो की स्पीड 1.5 करनी है और उसको देखना है शुरुआत में दिक्कत होगी इनिशियली यू विल हैव प्रॉब्लम बिकॉज़ न्यू स्किल्स टू लर्न न्यू स्किल्स आवर ब्रेन टेक्स टाइम बट वंस इट्स गेट अडैप्टेबल टू दैट इट कैन मेमोराइज अ लॉट ऑफ डेटा यू कैन इट कैन कॉम्प्रिहेंड आल्सो द डेटा सो नाउ व्हाई एबल टू लर्न दिस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन 1 आवर आर एबल टू डबल योर मेमोरी इन पर्टिकुलर वन अच्छा कितने की मेमोरी डबल हो गई थी दोज़ हु हैव एक्सपीरियंस्ड type double D in the comment section. Okay. And I have mentioned, if I can't able to double your memory, I will return 100% of your money even after 1 month. Okay. Mostly you have doubled their memory. Thanks a lot. Now, what is the science behind? The science is highly adaptivity. The brain is highly adaptable. Few years back, a doctor conducted one surgery, half brain was removed, half brain. So they thought that the person can never survive. एक ऑपरेशन में एक बच्चे का आधा दिमाग निकाल लिया गया क्योंकि चोट लग गई थी बट स्टिल ही एबल टू मैनेज हिज बॉडी स्टिल ही इज एबल टू लिव नेचुरली जस्ट लाइक आई एंड यू मतलब ये आधा दिमाग निकलने के बाद भी वो चल पाया काम कर पाया खा पाया पी पाया तब मेडिकल कम्युनिटी में एक बात आई कि ब्रेन इतना अडेप्टेबल है कि एक सर्टन पार्ट हाफ जाने के बाद भी उसने अडेप्ट कर पाया So our brain is highly adaptable. It can change within minutes. It can change within minutes. So, chit, mind pe control karna bada mushkil hota hai. So make sure you get right environment. What is luck? When you get right people at right time, भाग वही होता है जब सही व्यक्तियों का सही समय पे साथ मिल जाए. So make sure make a habit
always make good friends those who give right advice, right feedback, so that you are adaptive to a particular right environment. Make sure if you give yourself wrong suggestion, auto suggestion especially, what will happen? The brain will make that kind of neurotransmitters. If you think negatively, friends, why I'm giving this training at a very low cost, especially live training? I am getting profit. The profit is very minimal. Why I'm giving? I had my brother. His name was Sudhir and he committed suicide 8 years back. And 8 saal pehle mere bhai ne suicide kar liya tha. Aur yakeen nahi karoge, lagbhag main bahut schoolon mein memory training kara chuka hoon. I never charged single rupee. मैंने 1 रुपये नहीं लिया. भले मैंने 4 घंटे दिए, 5 घंटे दिए, आई नेवर चार्ज. बट आई सेंस दैट व्हेन आई प्रोवाइडिंग दिस फ्री ट्रेनिंग, नोबडी इज वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली लिसनिंग. क्योंकि रीजन क्या होता है, व्हेन यू गिव सम वैल्यू फ्री, पीपल डोंट वैल्यू. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू चार्ज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, सो दैट यू आर यू एबल टू डू इट. मनी इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव, चेंज इज ऑब्जेक्टिव. आप में से कोई भी व्यक्ति का थोड़ा सा सुधार हो गया तो मैं सोचूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई. तो यही छोटी सी है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. तो ये है. और तो मेक श्योर जब आप करें तो मेक श्योर नेवर थिंक नेगेटिव. 2 suicide हैपेंड माय फैमिली. वन ऑफ माय अंकल, रियल सगे अंकल, सगे चाचा ने सुसाइड कर लिया 1.5 साल पहले, एंड वन ऑफ माय ब्रदर्स. एंड आई वाज ऑन साइकेट्रिक ड्रग्स अप टू 8 years. 8 साल तक मैं साइकेट्रिक मेडिसिन पे रहा हूँ स्टूडेंट्स. और मुझे तो ये कह दिया कि जिंदगी में तुम कुछ कर नहीं पाओगे. तो आज वो व्यक्ति मेडिटेशन से आपके पास यहाँ तक पहुँच पाया है. तो व्हाटएवर, इफ यू थिंक नेगेटिव, यू डोंट बिलीव देयर आर वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. सो व्हाटएवर यू थिंक, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, द न्यूरो ट्रांसमिशन इज हैपनिंग. एंड न्यूरो ट्रांसमिशन, व्हाट डू दे मेक द हार्मोन्स, they make the blood, all the functions of body is commanded by this area. So whatever neurotransmission is going in your mind, it decide your future of your body, the future of your personality, and future of your next, your child also. So make sure you have right frequency of your brain. Think positive, but thinking positive don't make sense at all. Acting positive, acting in a right direction makes sense. So make a note daily. Please make sure have right friend, a right advisor, and make someone in your family, someone family mein nahi hai, to make someone to whom you can share your thoughts. Jahan aapke dil ki baat keh sake. Make sure, because when you get stressed, new hormones are being killed, new neurons are damaged. So why I'm telling you, whatever in the studies you will get lot of problem, stress hoga, kami hogi. What will happen? Ye hamper hoga. At that time, stress kills lot of neurons. Even so, stress is the most important reason of suicide in India. अगर मैं आपसे पीपीटी शेयर करूं तो मेक श्योर आप मुझे प्रॉमिस करें कि एक व्यक्ति आप ऐसा बनाएंगे जहां आप दिल की बात कह सके. टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन. अभी तक किसी ने प्रॉमिस, यस. आप सब लोग एक व्यक्ति ऐसा बनाएं लाइफ में जहां आप दिल की बात शेयर कर सके. एंड मैंने जो ऑब्जेक्टिव देखिए, आपके जाने के बाद ना कोई आपको याद नहीं करेगा. और किसी भी अमीर जादे का फोटो दीवार पे नहीं देखा होगा आपने. तो बिगेस्ट स्ट्रेंथ, बिगेस्ट एसेट इज योर बॉडी एज वेल एज योर फैमिली. परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है. गिव टाइम टू योर फैमिली, स्पेशली पेरेंट्स से कहूंगा, गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन. अभी नेक्स्ट पेरेंटिंग सेशन होगा, उसमें आपको मैं बता पाऊंगा इसमें. तो ध्यान रखना, द ब्रेन इज हाईली एडिक्टिबल. एंड स्ट्रेस, व्हाट स्ट्रेस डिड, आप देखिए, स्ट्रेस किल द न्यूली फॉर्म न्यूरॉन्स, cause depression, and it damage the prefrontal cortex. Yeah, मैं जरूर बताऊंगा. हाँ, जब कोई बोर हो जाता है, please just बताऊंगा. It damage the prefrontal cortex. It affects our decision making. So friends,
सफेद बाल होना, एजिंग होना, दीज ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. सो डोंट गेट स्ट्रेस, डोंट टेंशन लेने का नहीं. सो व्हाट विल हैपन इफ यू हैव स्ट्रेस, व्हाट टू डू, व्हाट एक्सरसाइज यू हैव टू डू, दैट आई एम गोइंग टू रिवील यू टुडे, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टुडे, एंड दिस टुडे सेशन मे गेट लॉन्गर. Approx 10, approx 1:45 up to 6. Are you comfortable? क्या आप comfortable? अगर आधे घंटा session ज्यादा चले तो, if yes, type yes in the comment section. किसी को जाना हो, चलिए, बहुत बढ़िया. तो what you have to do? You have to make a habit of meditation. Meditation की habit आप बनाइए. देखिए मैं अपना experience share करता हूँ. अगर आप इससे relate कर पाए. In 2004, I left my school and you won't believe, 12th पार करने के बाद मैं speaking में आ गया. I had to conduct career counseling webinar, workshops, AI and interview training. A 12th class, जिसने पास भी नहीं की, just. उस समय मैं समझ नहीं पाया अपने आप को. I got stressed and एक doctor ने अपने business बढ़ाने के चक्कर में मुझे 15 दिन तक hospital में रखा. उससे मेरा केस खराब हो गया. You won't believe, मुझे लगभग 8-10 दवाई दी जाती थी साइकेट्रिक्स. और साइकेट्रिक्स ने हार्ड होता था, खा लोगे तो नींद बताती थी. तो कई साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया उस दवाई की वजह से. और मेरे पेरेंट्स को उसको जानकारी नहीं थी. मेरे फादर साधारण एजुकेटेड, आपको पता है आर्मी में इतना आपको एक्सपोजर नहीं मिलता. तो कई साल मेरे, यू वोंट, स्टूडेंट वोंट बिलीव, आई कांट एबल टू डू एनीथिंग, जस्ट होम ट्यूशंस. सो उस समय आप मेरी हालत सोच सकते हो. एक स्कूल ड्रॉपआउट पर्सन that don't have any particular skill, just providing home tuition. So I may get stressed. So what I did, mujhe kisi ne meditation bataya, you won't believe, meditation changed my whole life. Maine dawai chhod di doctor ke bina kehne pe, theek hai, aur aaj aapke samne hu jahan bachchon ko main sikha pata hu padhna kaise, life kaise jeeni hai. So zindagi mein life ko jeena sabse badi kala hai. पैसा कमाना नहीं, लोग आजकल पैसा तो कमा लेते हैं, लाइफ को जीना नहीं आता. तो मेक श्योर, अगर आपको लाइफ में अच्छा रहना है, अगर आपको अपनी एज से 10 साल छोटा लगना है, अगर आपको दिन रात पढ़ के जबरदस्त आपको एनर्जी रहे, उसमें मेडिटेशन इज अ रामबाण, बेस्ट है मेडिटेशन. अब मेडिटेशन इतने फायदे हैं, इट कैन इंक्रीज द ब्रेन पावर, इट कैन इंक्रीज द न्यूरॉन्स, इट कैन इंक्रीज द न्यूरल एक्टिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कैन इंक्रीज योर एज बाय 10 ईयर्स, 10 साल बढ़ा सकती है. अच्छा, कितने लोग तैयार हैं इस मेडिटेशन को फील करने के लिए? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन. जस्ट अच्छा, इसको करने का थोड़ा सा विधान है, सम रूल्स एंड रेगुलेशन देयर. सो व्हाटएवर आई एम गिविंग, अच्छा इसमें आप सब लोग अपना धर्म बताएं प्लीज. आप में से कितने लोग हिंदू हैं, जस्ट टाइप एच. कितने लोग मुस्लिम हैं, टाइप डबल एम. कितने लोग सिख हैं, टाइप डबल एस. जितने लोग हिंदू हैं, टाइप एच इन द कमेंट सेक्शन, टाइप एच. सबसे कंपलसरी सर, अगर सब हिंदू निकले तो मैं अलग बीट चलाऊंगा प्लीज. लगभग सभी हिंदू हैं इसमें, यस मोस्टली. हाँ आप मुस्लिम है, चलिए चलिए चलिए, यस. क्योंकि मुझे सब धर्म को ध्यान रखना पड़ता है तो मैं पार्टिकुलर नहीं चला सकता. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैं म्यूजिक चलाऊंगा, आप म्यूजिक चलाऊंगा. आई विल रिकमेंड, ये मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप वो चैंटिंग सुनो जो हिंदू धर्म में है श्रद्धा के साथ, तो आप मैजिकल इफेक्ट होगा. अगर आप किसी और धर्म के हो, वेदर मुस्लिम में हो या आप क्रिश्चियन हो, तो आप बीट्स वाली म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है, बीट्स वाली म्यूजिक, ठीक है. तो उससे आप शुरुआत कर सकते हो. मैं आप एक मैं तो शुरुआत में करते हैं. आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू क्लोज योर आईज, जस्ट यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड मेक श्योर, जब तक मैं आपको आंख खोलने के लिए ना कहूं, don't open your eyes, आपने आंख नहीं खोला, don't open your eyes, don't move your body part. अगर मच्छर ही बैठा है ना, बैठने तो खून चूसने दो उसको आज. एक मक्खी बैठे तो हिलना नहीं, अगर आप हिले तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा. ओके, सो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए पहले प्लीज. अपनी आंखें आप लोग बंद कर लें प्लीज, तब तक मैं स्पीकर्स पे चला जाता हूं. Just a minute. Just a minute. Mm.
जस्ट क्लोज योर आईज आपको अपनी आंखें बंद करनी है अब आपको नॉर्मली सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है आंख बंद के लीजिए और अपने पीठ का सहारा लीजिए आप इस दीवार के पास बैठ जाइए जहां अपनी अपनी कमर को अपनी आप सहारा दे सके क्लोज योर आईज अपनी आंखें बंद कर लीजिए क्लोज योर आईज अपनी आंखें बंद कर लीजिए नॉर्मली सांस लीजिए धीरे धीरे छोड़िए अगर आप एक मिनट में सांस लेते हो तो डेढ़ मिनट में सांस छोड़िए मेक श्योर ब्रीथ स्लोली एंड एक्सहेल स्लोली नॉर्मली सांस लेनी नॉर्मली इनहेल स्लोली इनहेल नॉर्मली एंड एक्सहेल स्लोली ब्रीथ इन नॉर्मली ब्रीथ आउट स्लोली नॉर्मली सांस लीजिए पर धीरे धीरे छोड़िए नॉर्मली सांस लीजिए सांस गहरा नहीं लेना डोंट टेक ब्रीथ डीप ब्रीथ जस्ट ब्रीथ नॉर्मली बट एक्सहेल बट एक्सहेल स्लोली स्लोली वन मिनट में एक मिनट में सांस ले तो डेढ़ मिनट में आप सांस छोड़िए आप ऑब्जर्व कीजिए आपके इंटरनल पार्ट कैसे आपके लंग्स मूवमेंट कर रहे हैं कैसे दिल की धड़कन महसूस कीजिए इंटरनल देखिए वॉइस के टोन देखिए वॉइस एयर प्रेशर देखिए आपकी बॉडी कैसे दिल की धक धक महसूस होगी आपको अब इस म्यूजिक को नॉर्मली सुनना है और नॉर्मली सांस छोड़नी है नॉर्मली सुनना है और नॉर्मली सांस छोड़नी है Hi everyone, welcome to a special masterclass on Mind Valley. Now in this masterclass, I'm going to be sharing with you some of the... हिलना नहीं बिल्कुल आपको नॉर्मली सांस लेनी है नॉर्मली छोड़ना है
आप सबसे अनुरोध है कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें. प्लीज ओपन योर आईज. और आपको क्या अनुभव हुआ वो अनुभव शेयर किए अनमोल के. नींद आई होगी, जिसने ईमानदारी से उसको पक्का नींद आई होगी. ठीक है, कुछ का सर हल्का हो. प्लीज अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज, एक एक करके. जिन्होंने ईमानदारी से किया होगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वन बाय वन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. नीरज जी, ऋषि जी, प्लीज एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर एक्सपीरियंस. हेलो. यस सर. नींद आ गई. नींद आ गई, वाह, फिर तो आपने बहुत ईमानदारी से किया है सर. ठीक है, ओके. आप कोई और शेयर करना चाहता है ऑडियो में शेयर कर सकता है. बढ़िया लग रहा है. ओके. हाँ, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है अगर मैं आपसे कहूँ स्टडी 50 मिनट, 50 मिनट पढ़ो और 50 मिनट के बाद 15 मिनट आप क्या कर लो, मेडिटेशन. यू कैन स्टडी वन, आप एक साथ 12 घंटे तक पढ़ सकते हैं. आज स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है, स्टडी 50 मिनट्स, स्टडी 50 मिनट एंड 15 मिनट मेडिटेशन. यू कैन स्टडी 12 आवर कंटिन्यूसली. बस फिजिकली मेंटली आप थकोगे नहीं, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. क्योंकि इस 15 मिनट में व्हाट यू डिड, क्या आपने किया है, ये पूछने देखना चाहते हो ब्रेन में क्या इफेक्ट आया है. अब मैं ब्रेन साइंस समझाता हूँ. हर एक धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन बोला गया है. होता क्या है, when you meditate what happen, the brain waves goes down and when brain waves go down you get maximum relaxation. Why? Because the consumption is low. मैंने कितना बोला था ब्रेन कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन खाता है, कितने को याद है टाइप इन द कमेंट सेक्शन. कितना ऑक्सीजन खाता है? 20%. कितना खाना खाता है? फूड ऑक्सीजन खाता है 22% और फूड खाता है 20%. तो अब जब आपने मेडिटेशन किया द कंजम्पशन ऑफ बोथ विल डिक्रीज. इसलिए आपने देखा होगा मेडिटेटर्स जो होते हैं उनका चेहरा खिला होता है, टेंशन फ्री होते हैं. क्यों? कंजम्पशन ही कम हो रही साहब. When consumption is low, mileage is more. Yes or no? Yes or no? Take example of Hero Honda. Just car. When consumption is low, the mileage is high. So what will happen? Your brain will work better. So within 15 minutes, what normally would have 14 cycle per second, 14 frequency, just like you're shooting 14 bullets in 1 second. When you relax, within 10 to 15 minutes, your brain waves goes down. You all are in alpha stage. It's called alpha breathing. Okay. What is alpha breathing? It is best for learning. It is relaxed state, awareness boosting, tensionless state. Kisi ko tension ho rahi thi? Type yes in the comment section. It is tensionless state. And it is best one. And within few days of practice, you can do it very easily. And if you practice it more, what will happen? For 50 minutes of meditation, you can take it. आप 50 minute meditation करोगे, वो 2 घंटे की नींद के बराबर है. 2 घंटे की नींद के बराबर है. When you able to reduce your frequency willingly up to theta level. Now the monks जो होते हैं संत होते हैं आपके तिब्बत वगैरह में, देखिए इंक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर. आप पानी भर के रखो और पानी भर भर के आप एक टॉवल रखो जो गीला हो, दे कैन इवेपोरेट दैट टॉवल, इवेपोरेट दैट वाटर, मींस दे कैन इंक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर. लुक एट दिस, इट इज नॉट अ मिरेकल, इट इज प्रूव्ड बाय दिस सेंट्स. सो नाउ व्हेन यू मेडिटेट अ लॉट, now you can control those part of the brain that normal person cannot do it. This is the power of meditation. This is the power of theta waves. So when you meditate a lot, lot of disease, which sometimes they call not curable, these are treated by these theta waves. Up to 9 years, this theta waves is dominant in humans. But after 9 years, the theta waves they relax. What happened in the childhood? कई बार ऐसा होता है ना, पापा इस रूम से उठाते हैं, उस रूम में सुला देते हैं. आपको पता ही नहीं लगता, अरे इस रूम में आ गया मैं. कितने से ऐसा हुआ है?
स्पेशली व्हेन यू आर चिल्ड्रन. अडल्ट से पूछता हूँ, कितनी बार आपके माता पिता ने एक रूम से दूसरे रूम आपको ट्रांसफर कर दिया हो, आपने कहा मैं यहाँ हूँ. कितने से ऐसा हुआ है? इस हुआ है ना, क्योंकि उस समय आपकी नींद गहरी थी. वाई? बिकॉज जो वेव्स वर डाउन. बच्चों को नींद गहरी होती है, वहां वेव्स कम होती है, थीटा वेव्स होती है. तो वंस यू गेट अडल्ट, आपकी नींद हल्की हो जाती है. आपकी नींद कुछ तेज चल के भी, अरे भाई कौन आ गया, आप उठ जाते हो. क्यों? नाउ वेव फ्रीक्वेंसी इज नाउ इज नॉट गेटिंग लो लेवल. वो उतनी लो लेवल जा ही नहीं पाती जितनी इनिशियली जाती थी. आप सोचो, जब स्टार्टिंग में जितनी लो लेवल जाती थी, इट वॉज बेस्ट फॉर ब्रेन, बेस्ट फॉर बॉडी. एंड इनिशियली 2 साल का बच्चा क्या होता है, सबसे ज्यादा सोता है. इन्फेंट स्लीप लॉप मोर देन 10 आवर, 12 आवर, 18 आवर. वाई? बिकॉज इट इज बेस्ट फॉर हर बॉडी और हिज बॉडी, फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, फॉर बॉडी टेम्परेचर. इन द सेम वे स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो नींद बहुत जरूरी है. एंड यू कैन have a virtual lean, nind se bhi zyada hai, that is meditation. And meditation is activity which can first of all control your mind, control your emotion, increase your spiritual aspect, and the most important, it will regenerate your mind. Acha, kitne log promise karte hain ki 15 minute is jab tak ek mahina hai aap log meditation karenge. Agar aap karenge तो आपको एक छोटा छोटा ऑडियो डेली में फॉरवर्ड करता रहूंगा, जो उस मेडिटेशन के बीच में बीज मंत्र जैसे कहते हैं. कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? ओके, आपके पास क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बेटा. कुशाल मित्तल जी, सॉरी सर. सर, जब स्टडी करने बैठे हैं तो 50 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हमें रिवाइज करना चाहिए, या फिर हमें 15 मिनट आके बंद करके वो चीजें दिमाग में रिवाइज करनी चाहिए, या तो फिर शांत बैठना चाहिए बस? अच्छा अच्छा, आपके इस सेशन के बाद साइंटिफिक रिवीजन का सेशन होगा, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा मैं. ठीक है, अभी साइंटिफिक रिवीजन आया नहीं, वो 1 घंटे का सेशन आपका अलग से जाएगा. कायदे में जैसे आप 50 मिनट बोलो, पहले रिवाइज करो उसके बाद मेडिटेशन करो. फर्स्ट रिवाइज देन मेडिटेट, फिर दोबारा आओ, देन रिवाइज देन स्टडी. सपोज ये आपने 50 मिनट है, 50 मिनट के बाद आपने 15 मिनट का ब्रेक लिया. अब इस ब्रेक के दौरान यू हैव टू रिवाइज, then take meditation. After meditation, again revise, then study. Clear? तो सर, हमको खाली आँख बंद करके बैठना है बस, 10-15 मिनट. आँख बंद करके बैठना नहीं है, आपको normally सांस लेना है, धीरे-धीरे छोड़ना है. Breathing का issue है sir, breathing का. And you have to listen one music, because जब music सुनोगे तो आपको meditate करना easy हो जाता है, बहुत easy, especially beginners के लिए. ठीक है, तो अलग अलग मंत्रास है. हिंदू धर्म के मंत्रास अलग हैं, नॉर्मल अलग है. अगर आप हिंदुइज्म में हो, इतने जबरदस्त मंत्रास हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, यू विल बी थ्रिल टू लिसन. अगर मैं बचाता है दो लोग अलग धर्म के, इसलिए मैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता. इतने जबरदस्त हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है, एक बार आप सुन लोगे आप अलग दुनिया पहुंच जाओगे, इतने जबरदस्त मंत्रास है. बट कंडीशन क्या है, जब सुनना है तो नॉर्मली सांस लेना है, नॉर्मली छोड़ना. एंड यू हैव टू उस जिस भगवान का आप सुन रहे हो उसका थोड़ा अगर आपको आध्यात्मिक चिंतन करने तो सोना में सुहागा हो जाता है. बहुत बड़ा फायदा है इससे सर. ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? अब क्लियर तो टाइप यस इन कमेंट सेक्शन. चलिए, अब आपको जो चीजें याद हुई थी, जो चीजें याद हुई थी सर, याद कैसे हो गया हम चीज़? वो याद हुई थी 10 प्रिंसिपल्स की वजह से. 10 प्रिंसिपल्स, दैट देयर वर 10 रूल्स. आपने जो कल चीजें याद की थी वो याद इसलिए हुई थी क्योंकि 10 रूल्स. द 10 रूल्स इज एसोसिएशन. फर्स्ट यू एसोसिएटेड ऑल द कंटेंट, देन यू थॉट. आपने सारी सेंस इन्वॉल्व करनी, आपने देखा भी, सुना भी, और आपने अजीबोगरीब तरीके से बनाया. आप में से बहुत लोगों ने अजीब अजीब टाइप की बड़ी स्टोरी बनाई होगी, और कुछ सुनो तो ऐसी स्टोरी बनाई होगी आप किसी को सुना नहीं सकते. टाइप यस इन द कॉमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि आप उसको अजीब बना सको. आप कमेंट में लिखो या प्राइवेटली बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. जब आप अजीब अजीब चीजें बनाएंगे आपको याद जल्दी होगा. सपोज मैं प्रिंसिपल हूँ, मेल प्रिंसिपल हूँ, और साड़ी पहन के आ जाऊँ स्कूल में, आप भूलोगे? आप भूलोगे? नहीं भूलोगे ना, कहीं भूलोगे नहीं आप. क्यों? उस दिन कुछ अजीब हुआ. खुशहाल मित्तल ने कहा बहुत एंटिक स्टोरी बनाई थी. यस, व्हेन समथिंग इज एंटिक, एंटिक पीस है थोड़ा सा, वो याद जल्दी होता है. तो आपने जो 50 वर्ड याद किए, क्यों याद कर पाए? क्योंकि आप उसने ऑड बनाया, उसको बढ़ा चढ़ा के आपने वर्णन किया. यू एक्सप्लेन अलॉट, यू एग्जैगरेटेड, एंड देन यू मेड अ चेन ऑफ थॉट, इन्वॉल्वड योर सेंसेस, मेमोरी भी लगाई, स्मेल भी लगाई, यू हैव
experience all the functions of your brain. First, you associate it. With the association, you collect interest. When interest is there, automatically concentrations come. Then you use all the color. That's why I said you please close your eyes. Close your eyes. Then you have picture. Then why I use the name of Sunny Leone? The second, third, last part. You can samajhdar ke liye ishara kaafi hota hai. Then you made it very odd. Bachcha joote mein se kabhi nikal saka. Can infant can come out of one shoe? It is not possible, but it's possible in memory training. When Sunny Leone can go in heaven and with 6 kilo of wigs. It is not possible, but it is possible in memory training. So when you think some odd, make a story and make a story in such a way when things are not relatable in physical life, what happened? Your brain captured that information and save it in your hard disk. Okay, this is the science. These are 10 rules. These are the basics. These are foundation of memory training. So it is clear to all of you. These are 10 rules. If it is clear to all of you, type clear in the comment section. Type clear in the comment section. Okay. Type clear in the comment section. Okay. Yes. Just type clear in the comment section. Okay. Okay. Ab aapke liye do exercise hai aaj. Do exercise hai. First, you have to meditate 15 minutes and forward your feedback. Okay, this was my experience. Okay, for Hinduism, मैं आपको 4 मंत्रास दूंगा और नॉर्मली मैं आपको अलग मंत्रास दूंगा. जो हिंदू धर्म के लोग हैं या आप क्रिश्चियनिटी के हैं, आप साउंड लगाइए और उस शक्ति का ध्यान कीजिए, उस स्पिरिचुअल फोर्स का ध्यान कीजिए. तो आपको यू हैव मेनी गुड एक्सपीरियंस. इट मे हैव यू हैव सम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑल्सो. ओके, वो आप अलग से मुझे बता सकते हैं. सेकेंडली आपको क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने 50 वर्ड याद नहीं किए, 50 आइटम्स, मेक श्योर लर्न इट एंड सबमिट बाई टुमारो before 4:30. Tomorrow will not be any class. Your next class will be on Tuesday. Okay, correct? Sabko clear hai? Next class aapke Tuesday ki hogi. Type Tuesday in there in the comment section. Type TU in the comment section taki aapko yaad rahe. Okay. So what is your homework? First of all, meditate and share your experience. Daily you have to meditate 15 minutes at the night and 15 minutes just to wake up after having मतलब आप दिन का पहला सुख ले लो, समझ गए ना, दिन का पहला सुख जब अपनी टंकी खाली आप करके बैठ जाओ, उसके बाद हाथ मुंह धो लो, वेदर यू बाथ और नॉट डजंट मैटर, आफ्टर गोइंग टू लैटरिन बाथरूम सिंपल आप बैठ के मेडिटेट बिफोर गोइंग टू बेड एंड जैसे आप उठे, दो टाइम आपको 15 मिनट मेडिटेशन करनी है. यू विल हैव लॉट ऑफ इनसाइट एंड यू विल हैव लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस. But make sure you have daily you have to submit your experience. मैं आपको अलग अलग मंत्रास दूंगा, उस पर मेडिटेशन करना है और आपको आगे बढ़ना है. तो आपका 2 कोर्स हो जाएंगे, 3 कोर्स. First memory Vedic में, third one is meditation course also. ये मैंने बताया नहीं था आपको. No, you don't have to submit it again. Those you have submitted, well, जिन्होंने submit नहीं किए, they have to submit, they have to learn also. Okay? इतना clear है सबको? Is clear? Type yes in the comment section. ये आपका होमवर्क है. ओके सर, आप सबको क्लियर है? आज ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, ठीक है. ओके, जिन लोगों ने याद कर लिया, दोस यू हैव लर्न 50 मिनट्स, आई रिकमेंड टू लर्न 30 वर्ड्स मोर. 30 मीनिंग आपको और याद करें, 30 आइटम्स यू हैव टू लर्न अगेन. व्हाई? बिकॉज इट विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी आल्सो. These words, it is not compulsory, it is optional, it is up to you. If you do it, I will be very grateful to you. 30, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं 30 एक्स्ट्रा याद करेंगे? उन्होंने 50 याद कर लिए. okay. जिन लोगों ने याद कर लिए, इट इज नॉट कंपल्शन, ओनली इट इज अ रिकमेंडेशन. इफ यू लर्न 30 मोर, इट विल वेरी यूजफुल टू यू. चलिए, एडिशनल 50 इफ यू कैन लर्न, रीड 50, आप लर्न कर लो 50, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. इट इज क्योंकि इन द मेमोरी ट्रेनिंग मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, बेटर मेमोरी, बेटर एंड बेटर मेमोरी यू विल गेट. ओके, नाउ This was a session for you, and next session will be of Vedic maths, and after that then there will be session of scientific revision. Okay, next session, next memory session will be of how to memorize numbers, how to memorize maths formulas, and how to memorize maths dates. Okay, so stay tuned. Thanks a lot for this wonderful audience, and thanks a lot.
ऑल ऑफ यू कि आप में से बहुत लोगों ने याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जो पीपीटी है ये आपके ग्रुप में आज पहुंच जाएगी। और एक एक वीडियो में और आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस इज द वीडियो ऑफ वन पर्सन। आप हैंड रेज नहीं, आप सीधे अनम्यूट कर सकते हैं सर, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अनम्यूट योर सेल्फ। 50 वर्ड्स के बाद में जो स्टोरी थी उसी में 30 और ऐड करना है। यस सर, आप 30 ऐड कर दिए उसमें, बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके ओके, मैं आपको एक एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मैं इसी के रुका हुआ था। द लिटिल बुद्धा, द लिटिल बुद्धा, नेपाल। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच दिस होल वीडियो। एंड ये वीडियो है उस बच्चे का, वो लगभग कई महीनों तक वो एक जगह बैठा रहा, बस सिंपल मेडिटेशन। साइंस फेल, बीबीसी फेल, दे डोंट एबल टू नो व्हाट इज साइंस बिहाइंड दिस 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 स्पिरिचुअलिटी। ये आप देखिए, दिस स्टोरी कवर्ड बाय द There appear to be demonstrations everywhere. They're journalists. They're looking for the little Buddha. Welcome, welcome, welcome. Was he real? ये है, ये बच्चे का वीडियो है। ये कई महीनों तक एक जगह बैठा रहा, ना खाया ना पिया, बकायदा उन्होंने रिकॉर्डिंग की, दे रिकॉर्ड दिस इवेंट्स। और साइंस के साइंटिस्ट बड़े परेशान थे, हो कैसे रहा है। अब एक और एग्जांपल है इंडियन सेंट का, यू वोंट बिलीव, प्रहलाद जानी। He haven't eaten any food from 72 years. 60 saal se kuch nahi khaya. Ah, last minute. I will just type. Aaun hu yaar, sorry. Acha sorry, aaun, meri galti. Just a minute. Pralad Jani. Pralad. Pralad Jani naam tha. Yeah, look at this. दोनों को जिंदा रह सकता है। अगर ये सवाल हम आपसे पूछे तो शायद आपका जवाब होगा भाई एक दिन, दो दिन या फिर हद से हद 10 दिन। लेकिन कलयुग के एक संत का दावा है कि वो अपने तप के बल पर भूख प्यास से मुक्त हो चुका है। वो पिछले 73 सालों से ना तो कुछ खाता है और ना ही पीता। इट मे साउंड यू अनरियलिस्टिक, बट इफ यू सी अवर स्क्रिप्चर्स, अगर आप हमारे धार्मिक ग्रंथ देखोगे, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बहुत संत हवा पे जिए, पानी पे जिए हैं और बिना खाने के जिए। पर दुख की बात है, हमारे गुरु सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी हमारे वैदिक धर्मों को, वैदिक शास्त्रों को बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। ये एक सटल साइंस है। और व्हेन दे कैन डू इट, मैंने कह रहा इतना कर लो, बट एटलीस्ट यू कैन इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। दोनों वीडियो के लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, प्लीज वॉच दिस वीडियो, एनालाइज। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेडिटेशन में वो शक्ति है जो आपको दुनिया में कहते हैं बाहुबली बना सकती है। तो इस शक्ति को आप एक्सपीरियंस करें और आज मेडिटेशन का अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं बिता लेता हूं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगर कुछ वेबिनार में कमी रह गई हो, कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो, प्लीज दिल खोल के बताएं मुझे, सत्या यहाँ आप कमी रह गई, मैं प्लीज उसको इम्प्रूव करना चाहूंगा। एंड थैंक्स अलॉट फॉर द लवली ऑडियंस एंड थैंक्स अलॉट फॉर योर लव। ओके, आज का सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो टाइप यस, कोई कमी लगी तो प्लीज मुझे कॉल करके आप बता दें, प्लीज हम उसको इम्प्रूव करेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट। एक एक आपने बड़ी प्रॉमिस की बात की है आज कि एक व्यक्ति आप ऐसा बनाएंगे जिससे आप दिल की बात शेयर करें। मेक श्योर एटलीस्ट हैव वन पर्सन टू होम यू कैन शेयर योर थॉट्स, योर फीलिंग्स। अगर आप एक इंसान ऐसा ढूंढ नहीं पाए तो शायद जीना बेकार है। एक इंसान ढूंढिए जिसके साथ आप दिल की बातें शेयर कर सके, क्योंकि जो मेरे साथ हो मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। चलिए, धन्यवाद।